सो हेलो फ्रेंड, तो आज के वीडियो में भी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि आप ही जैसे दोस्त के द्वारा कमेंट बॉक्स में पूछा गया था। तो आज के वीडियो में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि व्हाई बॉयलर ड्रम इज स्लाइटली इंक्लाइंड। हमारा जो ये बॉयलर ड्रम होता है आप देखेंगे कि स्लाइटली इंक्लाइंड रहता है, यानी कुछ एंगल पर वो झुका रहता है, टेपर रहता है, ठीक है, स्लैंट रहता है। तो इसके पीछे क्या रीजन है, कितना डिग्री ये इंक्लाइंड रहता है और क्यों रहता है, इन्हीं सब बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करेंगे। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला, तो वीडियो के साथ बने रहे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो व्हाई बॉयलर ड्रम इज स्लाइटली इंक्लाइंड, तो हमारा जो ये बॉयलर ड्रम होता है क्यों स्लाइटली इंक्लाइंड होता है, यानी कि क्यों हल्का टैपर रहता है, स्लैंट रहता है, झुका हुआ रहता है, और ये कितना डिग्री झुका रहेगा, तो लगभग 2 से लेके 4 डिग्री तक ये झुका रहता है, ठीक। और ये कितना डिग्री झुका रहेगा वो डिजाइनर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वही डिजाइन करते हैं कि ये हमारा जो बॉयलर ड्रम है वो इतना एंगल में झुका हुआ रहेगा। अभी हमको यहाँ समझना है कि ये जो इतना डिग्री ये झुका रहता है वो क्यों रहता है, और सबसे पहली बात कि ये किस तरफ झुका रहेगा, यानी ये जो एंगल है वो आपका इस तरह से आपका बॉयलर ड्रम झुका रहेगा लेफ्ट साइड में या राइट साइड में झुका रहेगा। तो देखिए सबसे पहले तो वही हम लोग समझ लेते हैं कि किस तरफ ये झुका रहेगा। तो ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा कि आपका ये सीबीडी का लाइन है, ये हमारा बॉयलर ड्रम हो गया। तो बॉयलर ड्रम हम लोग जानते हैं कि हमारा सीबीडी का भी लाइन होता है, तो ये जो सीबीडी का लाइन जो होता है यानी कंटीन्यूअस ब्लो डाउन का जो लाइन है वो जिस साइड से निकला रहेगा उसी साइड में झुकाव रहता है। अगर ये लेफ्ट साइड से निकला है तो लेफ्ट साइड में ये हमारा बॉयलर ड्रम झुका रहेगा, और अगर ये राइट साइड से निकला रहता तो राइट साइड में आपका बॉयलर ड्रम जो है वो झुका रहेगा, ठीक है। तो ये आपका झुकाव जो है वो लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, राइट साइड में भी हो सकता है, पूरी तरह डिपेंड करेगा आपका जिस साइड से सीबीडी का लाइन निकला हुआ है। तो देखिए अब समझते हैं कि ये जो झुकाव है वो क्यों दिया रहता है, नहीं दिए होते तो क्या होता। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हमारे पास जो ये बॉयलर ड्रम है वो हॉरिजॉन्टल है पूरी तरह से, इसमें कोई झुकाव नहीं दिया गया है। तो देखिए यहां पर हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉयलर ड्रम में 50% वाटर होता है, और ये जो वाटर होता है वो कंटिन्यूस इवेपोरेट होता है, ठीक है। और वही जो इवेपोरेट होता है यानी कि स्टीम में कन्वर्ट जो होता है वो हमारा टर्बाइन में जाता है, और टर्बाइन से फिर कंडेंसर में कंडेंस होने के लिए जाता है, और वहां पर फिर वो वाटर के फॉर्म में तैयार होता है, और वही वाटर फिर हमारे बॉयलर में आता है, यानी कि हमारा वाटर का जो है वो कंटिन्यूस सर्कुलेशन होता है, जिसकी वजह से वाटर में जो भी इंप्यूरिटीज है वो यहाँ पे इसका कलेक्शन होने लगता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे कलेक्शन होता है और कंटिन्यूस यही साइकिल चलता है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ता जाता है। साथ में हम लोग जानते हैं कि हमारा जो जो बॉयलर ड्रम होता है उसमें हम लोग केमिकल डोजिंग करते हैं, जैसे HP डोजिंग करते हैं, जिससे जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा वाटर में जो भी इंप्यूरिटी होता है उसका यहाँ पे स्लज का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। कीचड़ टाइप का मटेरियल यहाँ पे फॉर्मेशन होने लगेगा और यहीं पर ये इस तरह से कलेक्ट होने लगा। और अगर ये हॉरिजॉन्टल होगा तो ये पूरी तरह से चारों तरफ इस यहां से लेके यहां तक आपका पूरे ड्रम में ये कलेक्शन होगा। तो उस केस में अगर हमको मान लीजिए कि हमको इस पूरे मटेरियल को ड्रेन करना है, स्लज को बाहर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वाटर के साथ इसको ड्रेन करेंगे, ये वाल्व को खोलेंगे। तो ये वाल्व को जैसे ही हम लोग खोलेंगे तो क्या होगा कि हमारा वाटर के साथ ये पूरा तेजी से आपका जो स्लज है वो निकलेगा, और ये स्लज चूंकि यहां तक है तो हमें ज्यादा वाटर को ड्रेन करना पड़ेगा। और अगर हम लोग ज्यादा वाटर को अगर ड्रेन करते हैं तो उस एक तरह से हमारा पूरा वाटर का वेस्टेज हो रहा, जो कि हमारा डीएम वाटर है, और डीएम वाटर हम लोग जानते हैं कि काफी कॉस्टली होता है, इसे तैयार करने में इसके पीछे खर्च होती है, तो एक तरह से हमारा वो नुकसान हो रहा है, ठीक है, बर्बाद हो रहा। साथ में जो हम लोग ये वाटर यहां से ड्रेन कर रहे हैं तो उसमें हम लोग जानते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ हीट रहती है, यानी कि एनर्जी रहती है, वहां पर सेंसिबल हीट होती है, तो वो जो हीट है, जो एनर्जी है, वो भी हमारा वाटर के साथ जो है वो निकल जा रही है, और वही हीट को फिर से मेकअप करने के लिए हमको अलग से आपको कोयला फीडिंग करना पड़ेगा। और अगर कोयला फीडिंग करेंगे एक तरह से क्या होगा कि हमारा बॉयलर एफिशिएंसी भी डिक्रीज होगी, अगर हम लोग अगर ज्यादा सीबीडी या ज्यादा वाटर को ड्रेन करेंगे तो, ओके। तो ये हमारा नुकसान है। साथ में आप देखेंगे कि यदि हमारा बॉयलर ड्रम हॉरिजॉन्टल रहेगा तो उस समय अगर हम स्लज निकालेंगे तो ये पूरा चूंकि ड्रम तक फैला हुआ है, पूरा एक कोने से दूसरे कोने तक फैला हुआ है, तो वो आसानी से नहीं निकल पाएगा, और उसी के चक्कर में हमारा जो वाटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेन हो जाएगा। तो ये सब हमारा अगर बॉयलर हॉरिजॉन्टल रहता है, बॉयलर ड्रम अगर हॉरिजॉन्टल पोजिशन में रहेगा, पूरा एकदम फ्लैट रहेगा, तो ये सब प्रॉब्लम आता है। तो यही प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, इसे अवॉइड करने के लिए हम लोग ने कुछ एंगल दिया। जैसे आपने देखा होगा कि आप एक पानी का बोतल ले लीजिए, तो बोतल को अगर मान लीजिए फ्लैट रखेंगे तो उसमें जो लेबल आएगा उसमें आधा बोतल पानी ले लीजिए और उसको इस तरह से फ्लैट कर दीजिए, ठीक है, इस तरह से इसको फ्लैट कर दीजिए, तो हम लोग देखेंगे कि ये जो बोतल है यहाँ पर क्या होगा, पूरा वाटर आ जाएगा। अगर इसको फ्लैट रखेंगे तो एकदम बराबर आ जाएगा, लेकिन इसी बोतल को अगर आप थोड़ा टैपर कर देंगे तो क्या होगा, वो वहाँ पर जो वाटर है वो
एक साइड में थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा। और वाटर में मान लीजिए कि अगर इम्प्यूरिटीज़ है, कुछ कचरा वगैरह है, तो वो एक ही साइड में आ जाएगा। बस यही जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे लगाया गया है। ओके, अब मान लीजिए कि हमारा ये जो बॉयलर ड्रम है, इसको हल्का सा एंगल दे देंगे, लगभग 2 से 4 डिग्री तक एंगल दे देंगे, तो जिस साइड में मान लीजिए यहाँ से हमारा सिबड़ी निकला हुआ है, तो जो एंगल प्रोवाइड करेंगे वो इस तरह करेंगे, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से झुकाव करेंगे। तो ये झुकाव करने से क्या फ़ायदा होगा कि जो भी यहाँ पे स्लज का फॉर्मेशन हुआ था वो यहीं पे कलेक्शन होने लगेगा। और अगर यहाँ पे कलेक्शन होगा तो इसको निकालना ज़्यादा आसान होगा। साथ में ये जो लाइन यहाँ तक फैला रहता है, ये एक तरह से परफोरेटेड लाइन होता है। इस लाइन के ऊपर छोटे छोटे छिद्र रहते हैं और इसी छिद्र की मदद से जो ये स्लज का फॉर्मेशन होता है, जो आपका सेडिमेंट होते हैं, जो सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, जो इम्प्यूरिटीज रहता है, वो यहीं से निकल जाता है, ठीक है। तो अगर हमारा ये टेपर रहेगा तो जो कलेक्शन होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा जिस जगह टेपर रहता है वो वहीं पर होगा, ठीक है। और यहाँ तक अब हमको इस लाइन को एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, हम लोग अब यहीं तक रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर रखने से ही आपका जितना सारा स्लज है वो आसानी से निकल जाएगा, तो हमारा स्लज भी आसानी से निकल जाएगा और हमें कम से कम वाटर ड्रेन करना होगा। तो वही हमारा जो वाटर जो था वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेन हो जा रहा था, तो उसी को अवॉइड करने के लिए हमारा जो बॉयलर ड्रम में कुछ एंगल प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो एंगल प्रोवाइड कर देने से हमारा वाटर का वेस्टेज भी नहीं होता है और जो ये स्लज का फॉर्मेशन हुआ है वो भी आसानी से निकल जाता है। बाकी एक चीज़ और कि ये जो हमारा टेपर होता है वो सभी बॉयलर में नहीं होता है, सभी बॉयलर ड्रम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये डिजाइनर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप के बॉयलर में देना है, ठीक है। हो सकता है कि आपके बॉयलर में हो या ना भी हो, तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके बॉयलर ड्रम में एंगल दिया हुआ कि नहीं। तो सबसे पहली बात कि आप अपना मैनुअल चेक करेंगे, जो बॉयलर का मैनुअल होता है जिसमें सारे पैरामीटर्स वगैरह लिखे होते हैं, उसको आप चेक कर सकते हैं कि क्या एंगल आपका दिया गया है। साथ में अब दूसरा क्या ऑप्शन है कि आप चेक कर सकते हैं, तो आप जानते हैं कि ड्रम में हमारा ट्रांसमीटर लगे होते हैं, लेफ्ट राइट और मिडिल। तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर आपका एक ट्रांसमीटर लगा है और यहाँ पे एक लगा है, एक यहाँ पे लगा है, तो यहाँ पे मान लीजिए कनेक्शन है, यहाँ पे कनेक्शन है, यहाँ पे कनेक्शन है, ओके सपोज कर लीजिए। तो अब देखिए मान लीजिए कि ये अगर टैपर रहेगा, अगर मान लीजिए सबसे पहले तो ये अगर ये सीधा रहेगा तो क्या होगा कि आपका ये मान लीजिए कि यहाँ पे 50% दिखाएगा, यहाँ पे भी 50 दिखाएगा, यहाँ पे भी 50% दिखाएगा, तो तीनों ट्रांसमीटर लगभग आपका सेम दिखाएंगे। अगर एक्यूरेसी अच्छी है तो लगभग आपका सेम आएगा। लेकिन अगर हम थोड़ा टैपर कर देंगे, जैसे बोतल का वाटर अगर हल्का टैपर कर देंगे, तो क्या होगा, एक साइड में आपका लेवल ज़्यादा रहेगा और एक साइड में कम आ जाएगा। तो ठीक वही चीज़ है कि अगर यहाँ पे टैपर हो जाएगा इस साइड, तो यहाँ का लेवल जो है वो थोड़ा ज़्यादा दिखाएगा आपका, मान लीजिए 50.5 दिखा देगा, यहाँ पे मान लीजिए कि आपका 50.2 दिखा देगा, यहाँ पे 50% दिखा देगा, ठीक है। एंगल इतना ज़्यादा कम होता है कि वो आप देख के नहीं समझ सकते, इसीलिए जो वेरिएशन भी आएगा वो बहुत ज़्यादा कम आएगा, ठीक है। तो ये देख कर आप समझ सकते हैं कि आपके बॉयलर में एंगल दिया हुआ है कि नहीं, आप मैनुअल से भी चेक कर सकते हैं और आप फिजिकली भी चेक कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके बॉयलर में एंगल दिया हुआ है या नहीं दिया गया है, कुछ झुकाया हुआ है या नहीं झुका हुआ है और कितना डिग्री झुका हुआ है। तो आई होप कि आज का ये जो टॉपिक था वो आपका क्लियर हुआ होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और कई सारे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।